क्या आपने कभी ऐसे सांसद के बारे में सुना है जिसकी 28 शादियां हुई हों? क्या आपने ऐसे विधायक का नाम सुना है जिसने अपने बेटे का नाम ही हिटलर रख दिया हो? नहीं ना, लेकिन ऐसा विधायक सांसद रहा है और भारत में ही रहा है, जिसकी कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आज इस सांसद की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो थोड़ी अलग है। इनका नाम है बागुन सुम्ब्रुई। सुम्ब्रुई की चर्चा उनकी कई पत्नियों को लेकर पूरे देश में होती है। उनकी पत्नियों का मामला एक बार विधानसभा में भी गुंज चुका है, जिसमें 28 महिलाओं ने उन्हें अपना पति बताया था, जो काफी हैरान कर देने वाला था। बागुन सुम्ब्रुई के बारे में कहा जाता है कि अपने 94 साल के जीवन में उन्होंने 58 महिलाओं के साथ शादी की थी। बागुन कई महिलाओं के साथ शादी की बात खुद भी स्वीकार कर चुके थे। साल 2018 में निधन के कुछ महीने पहले ही एक इंटरव्यू में बागुन सुम्ब्रुई ने बताया कि बहु पत्नियों का मामला एक बार बिहार विधानसभा में उठा था। उनकी पत्नियों के बारे में एक रिपोर्ट भी तैयार की गई थी, जिसमें 28 महिलाओं ने खुद बागुन को पति बता दिया था, जिसके बाद इसका सच हर कोई जानना चाहता था। बागुन खुद स्वीकार करते थे कि उन्होंने वैसी महिलाओं को अपना संरक्षण दिया जो विधवा और सामाजिक प्रताड़ना की शिकार होती थी। ऐसी महिलाएं उनके पास आती थी तो बागुन सुम्ब्रुई हर संभव मदद करते थे। बागुन बताते थे कि कुछ महिलाएं उनके पास सिर्फ इसलिए आती थी कि वो अपना नाम उनके साथ जोड़कर सरकारी नौकरी और अन्य योजनाओं का लाभ लेना चाहती थी। बागुन ये भी कहते थे कि अपने जीवन काल में कभी वो किसी महिला के पीछे नहीं भागे, बल्कि जिस भी महिला को उनसे शादी करनी होती थी वो खुद उनके पास चलकर आती थी। महिलाएं निराश ना हो इस वजह से वो उनसे शादी कर लिया करते थे। कई आदिवासी महिलाएं शोषण का शिकार होने के बाद उनके पास पहुंचती थी। ऐसी लड़कियों को भी उन्होंने सहारा देने का काम किया। इनमें से जब किसी महिला को कोई नया साथी मिला तो वो उन्हें छोड़कर भी चली जाती थी। हालांकि उन्हें किसी के आने या जाने पर कोई एतराज नहीं था। सांसद और विधायक के साथ कोल्हान क्षेत्र के कद्दावर नेता रहे बागुन सुम्ब्रुई ने इतनी शादियां की कि उनमें से कई महिलाओं का नाम उन्हें अंतिम समय में याद तक नहीं रहा। हालांकि करीब 94 साल के अपने जीवन में उन्होंने 5 पत्नियों और कई बच्चों के साथ लंबे समय तक पारिवारिक जीवन बिताया। दरअसल बागुन सुम्ब्रुई अलग झारखंड राज्य आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक थे। झारखंड आंदोलन की कमान संभालने के बाद बागुन ने बिहार झारखंड छोड़ो का नारा दिया था। बागुन ने 1980 के दशक में आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया। बागुन सुम्ब्रुई के नेतृत्व में आंदोलन इतना उग्र हुआ कि बाहरी शिक्षक कर्मचारियों और ठेकेदारों को पकड़कर उन पर भेलवा तेल यानी ज्वलनशील तेल डाल दिया जाने लगा। इस आंदोलन में बागुन पूरे कोल्हान क्षेत्र में नायक के रूप में उभरने लगे। दरअसल अलग झारखंड राज्य की आवाज 1947 में आजादी के बाद ही उठने लगी थी। बागुन सुम्ब्रुई ने जयपाल सिंह मुंडा के साथ मिलकर लंबे समय तक संघर्ष किया। इस बीच जयपाल सिंह मुंडा ने अपनी झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया तो बागुन सुम्ब्रुई ने अखिल झारखंड पार्टी का गठन कर आंदोलन को धारदार बनाने की कोशिश कर डाली। आंदोलन के दौरान 1968 में बागुन सुम्ब्रुई को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले उन्हें पटना ले जाया गया, बाद में हजारीबाग केंद्रीय कारागार में डाल दिया गया। अलग झारखंड राज्य नहीं मिलने से बागुन सुम्ब्रुई काफी आक्रोशित हो रहे थे। कभी कभी उन्हें लगता था कि अब अलग राज्य उनके जीवित रहते यानी जिंदा रहते नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने आंदोलन के दौरान पैदा हुए बेटे का नाम हिटलर रख दिया। बागुन सुम्ब्रुई का मानना था कि अगर वो अलग राज्य लेने में असफल रहते हैं तो उनका बेटा हिटलर इसे अवश्य लेगा। बागुन सुम्ब्रुई ने 1967 में झारखंड की चाईबासा विधानसभा सीट से पहली जीत हासिल की थी, लेकिन 2 साल बाद ही फिर से उन्हें चुनाव का सामना करना पड़ा, यानी चुनाव में खड़ा होना पड़ा। इसके बाद 1969, 1972 और 2000 में भी बागुन चाईबासा विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए। साल 1977 में बागुन पहली बार सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए, यानी सांसद बने। इसके बाद 1980, 1984, 1989 और 2004 में सिंहभूम संसदीय क्षेत्र से वो विजयी रहे। लंबी बीमारी के बाद 22 जून 2018 को बागुन सुम्ब्रुई का निधन हो गया। फिलहाल हमारे देश में सांसद पद का नाम सुनते ही ठाट बाट वाली जिंदगी
का नजारा दिमाग में घूमने लगता है। जनता को रोटी कपड़ा मकान मिले ना मिले, लेकिन सांसदों की तिजोरियां हमेशा भरी रहती हैं। लेकिन बागुन सुंबरुई बिल्कुल साधारण सरल अंदाज में अपना जीवन बिताते थे, इसलिए लोग उन्हें काफी पसंद किया करते थे। इसलिए भी वो लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थे, क्योंकि सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम में सिर्फ बागुन एक ही धोती पहनते थे, बदन खुला रहता था। साथ ही तमाम राजनीतिक तामझाम से दूर एक राजनीतिक संत की तरह उनका चेहरा हमेशा शांत रहता था। लेकिन इसी शांत चेहरे ने झारखंड के लिए आवाज उठाने का काम किया और वो झारखंड के गांधी बन गए। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।